हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा अवगत करवाता हूँ। तो आपने सुना होगा, जैसे बॉन्ड मूवीज़ में कहा जाता है कि जो 007 उनका जो स्पाई एजेंट है वो MI6 के लिए काम करता है। या आपने कई बार देखा होगा कि हम कई बार बोलते हैं MI4 के लिए कोई ऑफिसर काम कर रहा है। तो ये MI क्या है और इसका एक आर्मी के ऑपरेशंस या ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशंस में इसका क्या रोल है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, ये करीब करीब अर्ली 20th सेंचुरी में जब World War I हुआ उस समय ब्रिटिश आर्मी ने क्रिएट किया। तो जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटिश वर्सेस रेस्ट था ये वॉर, तो उन्होंने एक मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी क्रिएट की जो आर्मी का पार्ट थी और उसके फिर लेवल्स बनाए। तो जनरली जो मिलिट्री इंटेलिजेंस लेवल्स होते हैं वे 1 to 7 होते हैं, और 1 जो उनका बेस लेवल है वो डिफाइन करता है कि इंटेलिजेंस, व्हाट विल बी इंटेलिजेंस एंड हाउ इट विल बी कैप्चर्ड, ऑपरेटेड एंड यूज्ड, राइट, ऑन ऑपरेशनल स्केल और स्ट्रेटेजिक स्केल। तो ये MI1 करता है। तो जनरली जो MI1 होता है वो बेस डिपार्टमेंट है और वो डिफाइन करता है कि मैसेजेस कैसे कैप्चर किए जाएंगे जो हमारे स्पाई एजेंट्स हैं। स्पाई एजेंट्स वैसे वो यूज़ नहीं करते हैं, बट एजेंट्स आप कह सकते हैं, MI एजेंट्स, वो कैसे कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कैसे वो उसको सेंड करेंगे जो उनका बेस ग्रुप है, और फिर उसको कैसे डिसेमिनेट किया, कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तो इसमें इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आपने अपने एनिमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन की और आपने उसको सब ऑफिसर्स को बता दिया, बल्कि उसको पहले एनालाइज किया जाता है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये MI1 जो है ये स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होते हैं। तो 2, 3 जो है वो स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए होते हैं, जैसे कि World War I and II में MI2 स्पेसिफिकली जो है ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड रशिया के लिए बना था, और 3 जो है वो बना था जर्मनी, फ्रांस एंड नेदरलैंड, बेसिकली जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए बना था। तो ये स्पेसिफिक होता है। और जैसे भारत के केस में अगर MI2 कहे तो वो शायद चाइना की तरफ फोकस रहता है, और MI3 जो है वो पाकिस्तान और जो जियोपॉलिटिकल हमारे वेस्ट साइड ऑफ कंट्रीज हैं उनकी तरफ रखता है। 4 जो है वो एयर इंटेलिजेंस होता है। तो बेसिकली जो स्पाई क्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, जो सैटेलाइट्स यूज़ किए जाते हैं, वो 4 है। और 5 जो होता है, 5 जो होता है वो होता है डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, कि आपके जो और मे बी टू टैकल द काउंटर इंटेलिजेंस विद इन द कंट्री। तो आपके अंदर भी दूसरे कंट्रीज़ के एजेंट्स हो सकते हैं, या जो आपको इंटरनली सबोटाज करना चाहते हैं उन लोगों पे नज़र रखने के लिए MI5 होता है। और MI6 जिसके लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जेम्स बॉन्ड काम करते हैं, वो फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए होता है। तो फॉरेन इंटेलिजेंस में जो एजेंट होते हैं आर्मी के वो फॉरेन नेशनल्स ही होते हैं। और तो पहले तो एक कोऑर्डिनेशन डिफाइन करना पड़ता है उनके बीच में, क्योंकि कई बार जो है काफ़ी लोग जो है ना वो डबल एजेंट भी होते हैं। दे मे बी अपियरिंग टू वर्क फॉर यू बट दे मे बी वर्किंग फॉर योर एनिमी। तो फॉरेन इंटेलिजेंस वो होता है। और MI7 जो होता है वो होता है बेसिकली टू स्प्रेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन या प्रोपागेंडा कुछ करना है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है मिलिट्री कम पॉलिटिकल होता है, और वो ये होता है कि लोगों के मन में अपने कंट्री या आर्मी या इनके बीच में, जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंडियन आर्मी है उसके खिलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो आर्मी पर्सनल हैं वो, मतलब जहाँ पे अफसवा है वहाँ पे रेप्स वगैरह करते हैं। तो ये MI7 का पार्ट है। तो अब जो इंटेलिजेंस है उसका, उसके कई लेवल्स होते हैं। जैसे एक पॉलिटिकल लेवल होता है, इकोनॉमिक लेवल होता है, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर एनिमी नेशन है उसकी जो पॉलिटिकल पावर है उनके ऊपर, मतलब उनका कितना विल है स्ट्राइक बैक करने के लिए या स्ट्राइक करने के लिए। और इसमें ये भी एनालाइज करते हैं हम कि उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं,
बेसिकली स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्टेड रहते हैं या जो आपको अपीयर होते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन उसमें ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखाई नहीं देते और वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो इसमें और दूसरा क्या है कि जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होता है कि फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली एक आर्मी यूनिट को चाहिए कि सपोज उनको एक स्ट्राइक मारना है तो उनको ये बताना पड़ेगा MI टीम को कि एग्जैक्टली कहाँ पे जो है ये जो इंसर्जेंसी है वो बिल्डअप हो रहा है। तो इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो जब ये जो बालापुर में एयर स्ट्राइक किया गया था उसमें आपने देखा होगा कि जो भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किए थे तो उसमें क्या हुआ था कि पहले एनालाइज किया गया था कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कितनी स्ट्रांग है, अगर हमने कुछ उनको स्ट्राइक किया तो विल दे स्ट्राइक बैक और नॉट, और दूसरा जो है वो किसके कंट्रोल में है। और जब जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने MI से इंफॉर्मेशन मांगी तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि वहाँ पर कितना टेररिस्ट का बिल्डअप है और एग्जैक्टली वो कहाँ पे रहते हैं और उनका बिल्डिंग सेटअप क्या है, कितने स्ट्राइक्स लगेंगे उनके बिल्डअप को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इंटेलिजेंस जो है ना वेरियस लेवल्स पे होता है, एक होता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एक होता है डिसीजन मेकिंग इंटेलिजेंस। तो ये मैं थोड़ा समराइज़ करना चाहूँगा, बट हम इसके डिटेल में जाएंगे दोस्तों और एनालाइज करेंगे कि आर्मी वॉरफेयर जो है वो सिंपली मतलब वेपन्स और इन सब से नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारी सोच जाती है एट द लीडरशिप लेवल, एट द मिनिस्ट्री लेवल, एट द हायर लेवल ऑफ द मिलिट्री एंड देन फाइनली एट द ऑपरेशनल लेवल। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।